सुबह के 9 बज रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में यह ट्रैफिक का पीक टाइम होता है। बसें मेट्रो भरकर चलती हैं। नोएडा द्वारका ब्लू लाइन रूट पर मेट्रो में आज भीड़ कुछ ज्यादा है। किसानों के कूच से दिल्ली थम थम कर चल रही है। जाम में फंसने के डर से कार बाइक घर छोड़ दिल्ली एनसीआर वाले मेट्रो से चल रहे हैं। सलाह भी यही दी जा रही है, ठसाठस भीड़ में किसान आंदोलन और जाम, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आपको सुनाई दे ही जाएंगे। किसान आंदोलन पर बहस के बीच कोच में एक सज्जन का दर्द छलक जाता है, हम दिल्ली वालों का कसूर क्या है भाई। किसान आंदोलन ने पूरी दिल्ली को जकड़ रखा है, हर सीमा सील है। इन सब के बीच बेचारे दिल्ली वाले पिस रहे हैं। जब भी प्रदर्शन होता है ये निरीह दिल्ली वाले इसका शिकार होते हैं। सब बेबस चेहरों से एक ही सवाल होता है, हमारा क्या कसूर है। ये सही भी है, दौड़ती भागती दिल्ली जब रुकती है, घुटनों के बल बैठती है तो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी स्प्रिंटर मैराथन के आदि नहीं होते, लेकिन किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की ट्रैफिक रेंग रही है, लोग हैरान परेशान हैं। यही नहीं, एक आकलन के मुताबिक 2022 के मुकाबले 2023 में राजधानी में धरना प्रदर्शन 81% तक बढ़ा है। दिलवालों की दिल्ली के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं है। कल मेट्रो और बस से यात्रा करने के दौरान दिल्ली वालों के दर्द को सुना। क्या युवा क्या बुजुर्ग, सबको इस बात की शिकायत थी कि धरने प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन इससे लिए हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। ये सच है, दिल्ली के लोग यूं तो रोजमर्रा की भागम भाग के आदि हैं। सुबह निकलना, ऑफिस पहुंचना और फिर काम खत्म करके वापस घर भागना। इनकी इस भागम भाग को प्रदर्शनों के कारण ब्रेक लग जाता है। मेट्रो में एक युवक ने कहा कि आंदोलन तो करिए, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक जगह बैठकर ऐसा करिए। आप दिल्ली चढ़ाई करने आ जाते हैं, हम जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2023 की तुलना में राजधानी दिल्ली में 2024 में धरना विरोध प्रदर्शन जुलूस में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली पुलिस के डेटा के अनुसार पिछले साल पुलिस को 8,333 ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा था। इसमें 2,041 धरना, 1,627 प्रदर्शन, 929 जुलूस, 472 मीटिंग, 172 मार्च और रैली, 107 हड़ताल, 2,985 विरोध और अन्य चीज़ें शामिल थीं। 2022 में ऐसे मामले कम थे। पुलिस के डेटा के अनुसार उस साल महज 5,847 ऐसे मामले आए थे। राजधानी में इस साल 1,234 धरना, 899 प्रदर्शन, 452 सभाएं, 461 मीटिंग, 232 मार्च और रैली, 121 हड़ताल, 2,448 विरोध और अन्य चीजें शामिल थी। तो क्या दिल्ली वालों को राजधानी होने का अभिशाप है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि कोई भी बड़ा प्रदर्शन या आंदोलन हो वो दिल्ली जरूर पहुंचती है। चूंकि ये राष्ट्रीय राजधानी है तो विरोध प्रदर्शन का रास्ता यहाँ से ज़रूर गुजरता है, पर इन गुजरते रास्तों से दिल्ली वालों का दम फूल जाता है। हर साल जाम प्रदर्शन के कारण राजधानी वासी बेदम हो जाते हैं। इन आंदोलनों से ना तो दिल्ली वालों का कुछ लेना होता है और ना देना होता है, लेकिन एक निरीह प्राणी की तरह उन्हें इसका ताप जरूर सहना पड़ता है। बार बार के प्रदर्शन जाम से जब दिल्ली वाले आजिज आ चुके हैं, जब देखो तब कभी दिल्ली का पानी रोक देंगे, कभी दिल्ली में सब्जियों की सप्लाई रोक देंगे, कभी खाने पीने की चीज़ की सप्लाई रोक देंगे। मानो राजधानी है या मेमना हो, जो आया धमका कर चला गया। डीटी बस से केंद्रीय सचिवालय की तरफ जा रहे रमेश ने बताते हैं कि अब इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। जिसे भी विरोध प्रदर्शन करना हो वो तय जगह पर जाकर ऐसा करे, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ों से अब दिल्ली झुंझला जाती है, अब बस भी करो यार। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।